पहले चरण का चुनाव 25 मई को होगा। 8 राज्यों और केंद्र शासित में होगा। प्रदेशों की 58 सीटों पर यह चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी शामिल। 6 चरण का प्रचार गुरुवार शाम को हुआ खत्म। 879 प्रत्याशी की किस्मत का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, अब 6 चरण 25 मई को है, जहां ये चुनाव 6 दौर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर होगा। जिसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय 6 चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निर्गुआ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6 चरण का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव में 6 चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इस 6 चरण के चुनाव में कुल 879 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के 20 प्रत्याशी भी शामिल हैं। पहले यहां तीसरे चरण में मतदान होना था, मगर बाद में 6 चरण में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल है। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। 2019 में इन 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं दूसरे स्थान पर बसपा के खाते में 4 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पिछले चुनाव में इन 58 सीटों पर कुल 64% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 84% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 8% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। 4 जून को ही सभी नेताओं की किस्मत का परिणाम निकलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी और देश में कितना सुधार करेगी, अपने मैनिफेस्टो में किए गए कितने वादों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।